स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रीट आर्ट के बारे में, जो पटना के चारों तरफ हमें एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिल रही है। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ कुछ पेंटिंग देखते हैं जो बहुत सारे थीम पे बने हुए हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, स्वच्छ भारत अभियान, टिकोला आर्ट और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है जो इस खूबसूरत से राजधानी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ये किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम इस संस्कृति को भूल रहे हैं, उसे बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते और जानते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने की उनकी क्या वजह है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। कंकड़बाग पटना। मैम यही सब आर्ट सीखते हैं पटना वुमेंस कॉलेज। ये जो पेंटिंग बनाई जा रही है, सबसे खास वजह ये है कि हम अपने पटना को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और गंदगी से बचाना चाहते हैं। वही नेरोलैक, एशियन पेंट्स और खुद से भी मिक्स करके सबको खुद का कलर बना रहे और सबको दिखा रहे हैं। और हाँ, थीम वाइज है ये हम लोग का टिकली आर्ट है। थीम ये है कि जैसे कि चाइल्ड मैरिज, ये सबको मिला के, और मेन है ये टिकली पेंटिंग है और पटना सिटी का ये मॉडर्न आर्ट है। पटना सिटी का सबसे फेमस है ये। हम तो एक साल से सीख रहे हैं। हाँ, वही पटना वुमेंस कॉलेज। सोनम नाम है, पटना से ही है। एक साल से। ये वजह इसलिए क्योंकि हर जगह इंसान अपना शौचालय कर देता बिना सोचे समझे, ताकि ये पेंटिंग किया ताकि उसको रोका जा सके। सर से। उम्र 45 हो गया। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? कितने साल से आप कर रहे हैं? अभी हम पहला बार आए हैं यहाँ। तो आप ये कहीं से सीखी हैं या फिर खुद से? हाँ? सीखी है। हाँ, सीखे हैं। मैं गीतांजलि चौधरी, आर्टिस्ट टिकुली पेंटिंग। और ये जो मैम पेंटिंग जो आप यहाँ बन रहे, इसकी सबसे खास वजह क्या है? इसकी एक तो आप लोग जैसा जानते होंगे स्किल डेवलपमेंट का एक चल रहा है, और दूसरा स्वच्छ अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का चल रहा है, तो इसमें हम लोगों की कोशिश यही हो रही है कि बिहार का हर एक कोना, चाहे वो भोजपुर का हो, चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे अपना पटना सिटी हो जो कि राजधानी है, वहाँ पे साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो लोगों को इस तरह के आर्ट को दिखा करके ये उन आर्ट, एक तो आर्ट का प्रमोशन किया जा रहा है, दूसरा ये बताया जा रहा है कि आप इधर उधर गंदा ना करें, थोड़ा सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ज़रूर एक साइकोलॉजिकली है कि अगर कोई जगह है जहाँ पर आप कुछ पेंटिंग बना देते हैं तो लोग उसका जो है थोड़ा देखते हैं, उनको लगता है कि इसको कैसे गंदा करें। तो बेसिकली इसी को थीम लेते हुए ये पेंटिंग का वर्क ऑल ओवर बिहार में किया जा रहा है। ये पेंटिंग किस थीम पर है? बेसिकली मधुबनी थीम ही है, हर जगह पे बिहार के हर एक कोने में मधुबनी ही थीम लिया गया है, लेकिन हमारा जो एक और पटना का फोक पेंटिंग है टिकुली पेंटिंग, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है यहाँ पे, ताकि टिकुली पेंटिंग जो पटना सिटी का फोक आर्ट है वो भी मधुबनी को टारगेट के पीछे पीछे थोड़ा वो भी प्रमोट हो सके। इसकी वजह बहुत सी है, जैसे ये पेंटिंग के माध्यम से हमारे जो पुराने ज़माने में जिस तरह मधुबनी पेंटिंग चलती थी, ये हमारा सांस्कृतिक है, तो सांस्कृतिक हर तरह का ये है, तो ये हर दीवारों पे आपको पटना के मैक्सिमम अब मिल जाएगी। और इससे पुराने ज़माने के जैसे बहुत से आर्ट कल्चर, इससे बहुत सारी ये निकलती है, तो बहुत सी चीज़ें मिल सकती है देखने से। और प्लस यहाँ के जो पेंटिंग्स हैं, तो कुछ लोग जैसे ये जो पूरा थीम है, तो ये छठ पूजा के लेकर बनाया गया, तो छठ पूजा ऐसे नॉर्मली बाहर से लोग आते हैं तो इसे छठ पूजा के दिन ही देख पाते हैं, अगर पेंटिंग बना रहता है तो कभी भी उसका क्या बोलता है, छठ पूजा की ये आशीर्वाद कहें या फिर झांकी ले सकता है कभी भी जब चाहे। इसका थीम तो बहुत सारा है, जैसे ये छठ पूजा हो गया, कहीं पे जाइएगा तो शंकर भगवान का रहेगा, कहीं बजरंग बली का रहेगा, और अलग अलग थीम है, कहीं पे कूड़ेदान का, ये जो स्वच्छ भारत पे मिशन है उस पे भी बहुत सारा ये है, तो हर तरह का हर जगह पे अलग अलग थीम है। और
क्या किस तरह की पेंटिंग है? ये मधुबनी पेंटिंग है जो हमारे मिथिला से शुरू हुई और अभी देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये प्लस ये पेंटिंग से जो है महंगा भी बनती है। मैं तो यहाँ पटना का ही निवासी हूँ, ये 0 माइल पहाड़ी पे ही मेरा घर है। ये मधुबनी पेंटिंग हुआ, इसे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं या तो कोई गुटखा खाते हैं उसको थूक देते हैं उसके कारण इसको बनाकर इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि वो यहाँ वहाँ ना थूके और ना थूकने पे कि हमारे बिहार जो है स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको लगता है कि ये जो संस्कृति जो चली आ रही है इस पेंटिंग के वो आगे भी इसी तरह से बरकरार? हम लोग का तो उम्मीद है कि ये हमेशा चलते ही रहेगा और बाकी लोग पे निर्भर करता है कि वो अपने संस्कृति को रखना चाहते हैं या नहीं, है कि नहीं। हम लोग तो अपने अनुसार तो जितना हो उतना तो करते ही हैं, बाकी सबके सोच के ऊपर निर्भर होता है वो क्या करे या ना करे, गुटखा खाए थूक दे वो उसके ऊपर निर्भर है। इससे यही है कि पहले जो दिखाया जाता था और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं और कुछ जानते भी हैं तो इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते, उसी को दर्शाने के लिए वो बनाया जा रहा है ताकि मिथिला पेंटिंग भी होता है किस तरह से होता है वो सारा चीज़ दिखाया जा रहा है इसमें। हम तो लगभग ये सब से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही जुड़े हुए हैं और अभी 3 से 4 साल रेगुलर करते आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पटना के हर एक दीवारों पे हमें ये खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिल रही है, इसे बनाने की क्या वजह है, इसकी क्या थीम है, ये सब हमने पेंटिंग बनाने वालों से बातचीत पे पता चला कि लोग जो गंदगी फैलाते हैं चारों तरफ उस वो ज़्यादा गंदगी ना फैले, हमारा देश साफ सुथरा रहे, इसके बहुत सारी थीम है जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, टिकुला आर्ट, स्वच्छ भारत अभियान और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है जो लोग भूलते आ रहे हैं हमारे संस्कृति को, उसको बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं मेघना, कैमरामैन अनीश के साथ, न्यूज़ 1 11 पटना।